क्या हाल है दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मैं हूं योगराज और आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव योगराज। आज के वीडियो में गाइज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं नोएडा एंटरटेनमेंट सिटी, जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे वर्ल्ड्स ऑफ वंडर पार्क को। इस पार्क की टिकट मुझे मिली है गाइज 50% डिस्काउंट पे, आप लोग भी ले सकते हो ये डिस्काउंट। इस पार्क की क्या लोकेशन है, टाइमिंग, टिकट प्राइस और अंदर कौन कौन सी राइड्स होती हैं, वो सारी डिटेल मिलेगी आप लोगों को इस वीडियो में। उसके अलावा अगर कुछ रह जाता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ये है द ग्रेट इंडिया पैलेस मॉल, सेक्टर 18 नोएडा, इसे हम लोग GIP के नाम से भी जानते हैं। सामने है एंटरटेनमेंट सिटी गेट नंबर 10। वर्ल्ड्स ऑफ वंडर की पार्किंग में जाने के लिए आपको आना पड़ेगा गेट नंबर 11 के पास, जो पड़ता है गार्डन गैलरिया मॉल के बिल्कुल सामने। तो आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं गेट नंबर 11। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है वर्ल्ड्स ऑफ वंडर वाटर पार्क। सामने जाना है कार एंड बाइक पार्किंग दोनों के लिए, बाइक के लिए लेफ्ट की तरफ इधर और कार पार्किंग के लिए जाना है हमें राइट की तरफ। तो सामने आप देख सकते हैं लिखा हुआ है वाव, वाव यानी कि वर्ल्ड्स ऑफ वंडर। तो अब हम चल रहे हैं कार पार्किंग में लगाने के लिए। सामने है हमारे कार पार्किंग, चलकर देखते हैं कि कार पार्किंग में हमें स्पेस मिलता है नहीं मिलता है। यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है पार्किंग फुल, तो फिर भी हमें स्पेस तो मिल जाएगा। पार्किंग के पास आप देख सकते हैं टेडी बियर की शॉप, यहाँ पर आप गेम खेल करके टेडी बियर भी जीत सकते हैं। ये है वर्ल्ड्स ऑफ वंडर का टिकट काउंटर, यहाँ आकर के आप ऑफलाइन टिकट भी ले सकते हैं अपनी। और टिकट प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ सामने की तरफ देख सकते हैं, टिकट है एडल्ट का 1099, चाइल्ड 699, सीनियर सिटीजन 499 और उसके अगर आर्मी से अगर रिलेटेड है तो 899। यहाँ पर आपको स्विमिंग के कपड़े भी मिल जाएंगे रेंट पर, अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ आकर के रेंट पे ले सकते हैं। ये है गाइज हमारी टिकट और ये है इसके साथ में बैंड। वैसे तो टिकट मैंने ऑनलाइन बुक करी थी, बट फिर भी आपको यहाँ आकर ऑफलाइन अपनी इस तरीके के से बैंड और टिकट निकलवानी पड़ती है। यहाँ आकर मुझे अपने बैग चेक करवाने पड़ेंगे, देखते हैं कि क्या चेक करते हैं लोग यहाँ पर। ये है वर्ल्ड्स ऑफ वंडर का लॉकर पेमेंट काउंटर, यहाँ पर आप देख सकते हो डिटेल लिखी हुई है, लॉकर रेंट 150 प्लस रिफंडेबल डिपॉजिट 200 रुपये, बैगेज रुपीज 150 पर बैग। सो यहाँ से अपना लॉकर लेने के बाद हम चलेंगे लॉकर रूम के अंदर और वहाँ पे हमें अपने सामान बैग वगैरह जो है वो सबमिट करवाना है। और यहीं पे चेंजिंग रूम है तो आपको चेंज भी यहीं करना है। यहाँ देख सकते हैं कितने सारे लॉकर्स हैं और ये देखिए गाइस काफ़ी बड़े बड़े लॉकर हैं, काफ़ी अच्छा स्पेस है, तो आपका एक बैकपैक इसमें आराम से आ जाएगा। ये है वर्ल्ड्स ऑफ वंडर वाटर पार्क का कस्टम कलेक्शन एंड रिटर्न काउंटर, यहाँ से आप देख सकते हो अंदर रखी हुई टी शर्ट लोअर वगैरह आप रेंट पर ले सकते हैं। बैग डिपॉजिट करने के बाद और चेंज करने के बाद देख रहे हो फिलहाल टी शर्ट नहीं लिया मैंने रेंट पर, लोअर में ही काम चला रहा हूँ। सबसे पहले मैं जा रहा हूँ रेन डांस करने के लिए। रेन डांस करने के बाद यहाँ से चलेंगे अंदर, सबसे पहले किड जोन में करेंगे हम लोग एंट्री। लेट्स गो, यह है वर्ल्ड्स ऑफ वंडर का इन्फॉर्मेशन काउंटर, अगर आपको कुछ पूछना है अंदर आके तो आप यहां आकर के पूछताछ कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन काउंटर के बाद यहां पर आप देख सकते हैं सामने है डीप सी एक्सप्लोर, तो इसको तो एक्सप्लोर हम बाद में करेंगे, उससे पहले हम चल रहे हैं इधर। गाइस हम चल रहे हैं सबसे ऊपर राइड करने के लिए, मल्टीपल राइड है गाइस, यहां पर देखते हैं अभी हम जा रहे हैं बूमरिंग राइड करने के लिए। इसमें देख सकते हैं दो लोग बैठेंगे इस तरीके से और दोनों को अच्छे से पकड़ना होता है, देन उसके बाद
राइड करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। चल अब जा रहे हैं हम लोग ये वाली राइड करने के लिए, रैफ राइड। इसमें चार लोग जाते हैं एक साथ। अगर तूने पलटा ना तो तेरा मुंह पलट दूंगा इस बार। फोन हाथ में, जो भी लाना दो लाना। दो दो दो। अभी हम जा रहे हैं ये वाली राइड करने के लिए, और इसे करने के लिए हमें यहाँ से मैट लेना पड़ेगा। यहाँ देख सकते हो आप रखे हुए हैं, रैपिड रेसर नाम है इसका। इस राइड का नाम है टर्बो टनल एंड रैपिड रेसर। तो यहाँ से देख सकते हो चार चार लोग जा रहे हैं। चलो बहुत है इतना। ये है कैफे वाव। टुडे स्पेशल है दाल मखनी चावल, राजमा चावल, छोले चावल, पनीर बटर मसाला चावल। खाने की प्लेट आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके की है। एक एक प्लेट हम चारों लोगों ने ऑर्डर की है। खाना खाने के बाद मैं आ गया हूँ वर्ल्ड्स ऑफ वंडर वाटर पार्क के पूल वाले एरिया में। सामने आप देख सकते हो काफ़ी लोग इंजॉय कर रहे हैं पूल में। तो इस पूल की कुछ गाइडलाइंस होती हैं, उसमें से एक ये है कि जब वेव आती है, जैसे कि अभी आप देख सकते हो सामने वेव आ रखी है, तो जब ये आती है तो उस टाइम पे जिनकी हाइट कम है, जो छोटे बच्चे हैं, उनको लास्ट तक जाने के लिए मना किया जाता है। लास्ट की गहराई है 4.8 फुट। वर्ल्ड्स ऑफ वंडर ये है डीप सी एक्सप्लोर, जो कि किड्स के लिए बनाया गया है। कुछ मजा नहीं आया भाई। ऐसे 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 कर रहा है। चल भाई इस बार नहीं तुम्हें। अब हम लोग चल रहे हैं ये वाली राइड करने के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं सिंगल और डबल दोनों तरह से ये वाली राइड हम कर सकते हैं।
डर क्यों लेके आ रही हो वापस? अरे पलट गया ना, अगर पानी चला जाएगा माइक में, खराब हो गया मेरा माइक। जाने आगे लेके ऐसे धक्का दे, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मैं जब से यही हूँ यार, आगे ही नहीं जा पाया। सो गाइज, अब मैं आपको बता देता हूँ कि वर्ल्ड्स ऑफ वंडर वाटर पार्क के टिकट पर आपको 50% डिस्काउंट कैसे मिल सकता है। इसके लिए जाना है गाइज आपको वर्ल्ड्स ऑफ वंडर वाटर पार्क की वेबसाइट पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टिकट सेलेक्ट करने के बाद और पेमेंट करने से पहले आपको करना है अप्लाई ये वाला कूपन मिडनाइट मैडनेस, क्योंकि 12 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में रहता है इस पर 50% डिस्काउंट।